@9 काबेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार भारतवासियों, एक बार फिर मैं हूं आपके साथ काबेंद्र चौहान, लेकर आया हूं आपका अपना न्यूज प्रोग्राम भारत एट नाइन। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में उसी की बात होगी जिसके लिए आप मुझसे कहते हैं। आज के कार्यक्रम में बात होगी लखनऊ से। आज के कार्यक्रम में बात होगी सबसे बड़ी लड़ाई, जिस लड़ाई को हमने लड़ा, जिस लड़ाई के लिए हमने जी तोड़ मेहनत करी, जिस लड़ाई के लिए हमने लगातार कार्यक्रम किए, जिस लड़ाई के लिए लोगों ने हमसे कहा कि कहां हो आप क्यों नहीं राजनीतिक कार्यक्रम करते, आप क्यों इन चक्करों में फंस रहे हैं, आप पर भी केस हो सकता है, लेकिन हमने हार नहीं मानी। दर्शकों, ये लड़ाई किसी के लिए बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन किसी के लिए ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और उस शख्स के साथ मैं, मेरा कार्यक्रम और ये चैनल हमेशा खड़े। दर्शकों, लखनऊ में सरेआम एक लड़की ने एक लड़के को बीच रोड पर, बीच चौराहे पर पुलिस के सामने 22 थप्पड़ मारे। बहुत से लोग इस घटना को भूल गए हो, लेकिन आज ये घटना जब सोचता हूं और ये चीज देखता हूं कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो मुझको कष्ट होता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है, किसी इंसान की सरेआम इज्जत उतार देना और उस पर कानून का हंटर ना चलना, यह एक बहुत बड़ा गुनाह है। दर्शकों, अगस्त के पहले हफ्ते में हम सभी के सामने एक वीडियो आया तमाम सोर्सेस से, किसी ने फेसबुक के जरिए देखा, किसी ने यूट्यूब के जरिए देखा, किसी ने इंस्टाग्राम पर देखा, किसी ने व्हाट्सएप पर देखा, किसी ने कहीं देखा, लेकिन इसके बाद इसने एक बड़ा रूप ले लिया। चारों तरफ दर्शक, कोलकाता से लेकर कैलिकट तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, हर जगह एक ही चर्चा थी कि गिरफ्तार करिए ऐसी लड़की, गिरफ्तार करिए इसको। लेकिन आज एक बार फिर बड़ी शर्म की बात है कि कार्यक्रम करना पड़ रहा है और कार्यक्रम में एक बार फिर वही बात करनी पड़ रही है कि गिरफ्तार करिए। दर्शकों, कैसा लगता होगा उस शख्स को कि जिसके साथ ये घटना घटी, जिसके घर में मां है, जिसके घर में उसकी बीवी है, जिसके घर में और भी महिलाएं हैं, उनके सामने जब वो गया होगा तो कैसा महसूस कर रहा, कैसा सोच रहा होगा, जिसकी सरेआम बीच चौराहे पर उसके गृह जनपद, जहां से चंद कदमों दूर उसका घर है, वहां पर एक लड़की फेमिनिज्म के फेक नशे में उस पर 22 थप्पड़ मारे। नॉट वन, नॉट टू, 22 थप्पड़ बजते हैं उस पर, उसको थप्पड़ मारे जाते, उस पर हमला होता, और 22 थप्पड़ों के बाद भी 2 महीने लमसम होने को आए हैं, लेकिन अभी तक दर्शकों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। यह भद्दा मजाक नहीं तो क्या है? दर्शकों, बेंगलुरु में एक लड़की एक गरीब डिलीवरी बॉय पर इल्जाम लगाती है कि इसने उस पर हमला किया, लेकिन जांच में पता चलता है कि दरअसल उसी ने हमला किया, और जो पुरुष जिस पर इल्जाम लगाया गया था उसकी नौकरी चली जाती है, चारों तरफ उसकी बेइंतहा बेइज्जती होती है। लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि गुनाह दरअसल लड़की ने ही किया था, और आज दर्शकों वो लड़की उड़कर बेंगलुरु छोड़ चुकी, कोई कार्रवाई नहीं। और ऐसा ही एक मामला जो मुझको पता है, आपको पता है, हम सबको पता है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाते। लेकिन ज्यादा दिन यह चीज चलने वाली नहीं, सरबजीत की बात कर रहा हूं, 4 साल बाद जाकर
उस व्यक्ति को इंसाफ मिल सका। दिल्ली का दरिंदा कहकर पुकारते थे उसे, वो अपनी गलियों से निकलता था, अपने दफ्तर जाता था, उसे कहा जाता था देखो दिल्ली का दरिंदा आ गया, क्योंकि एक लड़की ने उसके ऊपर फेक झूठा मुकदमा लिखवा दिया था। और ऐसा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं चलना चाहिए। और आज पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर क्यों अभी तक उस लड़की को, उस महिला को, प्रियदर्शनी यादव को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्यों इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक, इफ नॉट व्हाई नॉट, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? वो कौन सा क्लॉज है कानून की डायरी में जो ये छूट देता है कि एक लड़की, एक महिला, एक कार्ड दिखाकर बच सकती है? क्यों, जब सब कुछ आपके पास है, वीडियो आपके पास है, हर चीज आपके पास है, फुल प्रूफ्स आपके पास है, विक्टिम खड़ा खड़ा रो रहा है, आपकी पुलिस ने शुरुआत में उसी पर कार्रवाई की थी, आज जब आप सब कुछ जानते हैं तो आखिर क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? लखनऊ पुलिस के ऊपर यह बड़ा सवाल है कि लखनऊ पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। और यह बस मैं नहीं, पूरा देश जानना चाहता है। यह घटना एक नेशनल लेवल का ट्रेंड बन चुकी है और बीते 2 महीने से हर कोई पूछ रहा है कि आखिर गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों। लोग कह रहे हैं यह पुलिस कछुआ पुलिस है, बहुत स्लो काम करती है। 2 महीने होने जा रहे हैं लेकिन गिरफ्तारी जैसी कोई बात नजर नहीं आती। पुलिस की कार्यप्रणाली पर यह बहुत बड़ा सवाल है। यह मुद्दा किसी के लिए बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन अगर इसको अलग नजरों से देखा जाए कि वो कौन सा माइंडसेट काम करता है कि जब एक लड़की बीच चौराहे पर सबके सामने, पूरी भीड़ के सामने, पुलिस के सामने, सीसीटीवी कैमरों की नजरों में एक पुरुष पर 22 थप्पड़ ताबड़तोड़ चला सकती है और उसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होती, बल्कि उसी लड़के को जो विक्टिम है, जिस पे थप्पड़ बजे हैं, उसी को ले जाकर थाने में रात भर रखती है और जिसने थप्पड़ मारे हैं वो अपने घर पर जाकर बढ़िया डिनर करती है। और यहां पुलिस विक्टिम सादत अली को रात भर थाने में रखती है, उसकी गाड़ी को सीज किया जाता है इन द नेम ऑफ कि हम जांच कर रहे हैं। लगातार सादत को परेशान किया जाता है। सादत अली बीते 2 महीने से वकीलों की फौज लेकर, वकीलों को लेकर जैसे तैसे अपने पैसे बचाए हुए सेविंग्स उनको लेकर जाते हैं, वकीलों का फीस देते हैं और लगातार कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक महिला से 22 थप्पड़ खाए हैं और अभी तक गिरफ्तारी नहीं, अभी तक महिला को गिरफ्तार नहीं किया। ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? और बहुत से लोग सोच रहे थे, लखनऊ पुलिस भी सोच रही थी कि ठीक है, अच्छा हुआ, फाइल दबा दो, फाइल को क्लोज कर दो, टाइम हो चुका है, सब भूल गए, सब सो गए, अगला मुद्दा आ गया है, यह चीज खत्म हो गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं देशवासियों से, लखनऊ की जनता से, आपने मुझे इतना प्यार दिया है तो आपके लिए मैं अंत तक ये लड़ाई लड़ूंगा। और जो लोग कहते हैं कि आपने मुद्दे को बीच में छोड़ दिया, आपने महाअभियान को अंजाम तक ले जाए बिना छोड़ दिया, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। और जब तक सादत अली को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो लोग फेक
फेमिनिस्ट का जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो हमारे खिलाफ ट्रेंड करता है, हमारे खिलाफ वो कैंपेन चला रहे हैं, तो एक बात बता दूं कि हम सत्य के साथ, हम सच के साथ, और सत्य केवल और केवल परेशान हो सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सादत अली को मार लिया खत्म, ऐसा नहीं है, अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। और आज मेरे साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि खुद सादत अली को जोड़ा जाए और सादत अली हमारे साथ जुड़े। मैं अपने पीसीआर से बात करना चाहूंगा कि सादत अली को जोड़ने की कोशिश की जाए, सादत अली को जोड़ा जाए, जो उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे आज उनसे हम डायरेक्ट पूछेंगे, उनको हम सीधे कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ है। प्रियदर्शनी यादव, मुझे पता है कि आप मुझे देख रही, आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हम रुकने वाले नहीं हैं, एक बात ध्यान रखिए कि हम ठहरने वाले नहीं हैं। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इस गुस्से को बचा कर रखिए, क्योंकि अभी आपको और गुस्सा आने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द हम ऐसे सबूत लेकर आएंगे, ऐसी चीजें लेकर आएंगे कि अब एक बार फिर से हम बताएंगे कि आखिर क्यों गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, कि आखिर क्यों गिरफ्तारी किया जाना उनको बहुत जरूरी है। इसके लिए हम तमाम कोशिशें करेंगे, हमको जहां तक लड़ना होगा हम लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं। इसके लिए यह लड़ाई, यह महाअभियान यूं ही जारी रहेगा, यह रुकेगा नहीं, ना तो थमेगा ना डरेगा, यह यूं ही चलता रहेगा। और लखनऊ पुलिस को हम आईना दिखाएंगे कि जो काम आपको करना चाहिए था, जिस काम को आपको अंजाम तक ले जाना चाहिए था, उस काम को अधूरा छोड़कर आपने बहुत बड़ी गलती की। हम आपको आपकी ड्यूटी भूलने नहीं देंगे, हम आपको कानून भूलने नहीं देंगे, हम आपको कानून का पालन करवाते रहेंगे, हम आपको हर वो तस्वीर बार बार आपके सामने लाते रहेंगे जिसके जरिए आप ये देख पाएंगे कि आपने गलती कहां की। दर्शकों, अगस्त के पहले हफ्ते में एक वीडियो आया था, और उस वीडियो से जब पुलिस से बातचीत की गई तो पता चलता है कि वो 30 जुलाई का वीडियो है। उस वीडियो में प्रियदर्शनी यादव नाम की महिला सड़क पार कर रही है, इतने में सादत अली अपनी टैक्सी लेकर आते हैं, बिल्कुल भी टच नहीं होती टैक्सी, जबकि लाइट्स ग्रीन थी, एंड शी वॉज इलीगली क्रॉसिंग द रोड व्हेन द लाइट्स वर ग्रीन। फिर भी सादत अली अपनी गाड़ी को रोकते हैं और वो महिला घूम कर आती है, सादत अली का पहले तो गाड़ी का साइड वाला मिरर तोड़ती है, ब्रेक्स द मिरर, उसके बाद उनका फोन निकालती है जो गाड़ी के अंदर रखा हुआ था, उसको तोड़ती है, उसके बाद वो तब भी उनका जी नहीं भरता, उनका पर्सनल ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता, तब वो उसको भी बाहर निकालती, उसको भी लगातार पीटती हैं। और ये सब कुछ लखनऊ के बीच चौराहे पर होता है, लखनऊ की लाइट्स के सामने, पुलिस के सामने, बिना किसी डर के प्रियदर्शनी यादव सादत अली को लगातार पीटती रहती। वहां ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद यह सब कुछ होता है। अब हमारे साथ खुद सादत अली मौजूद हैं। दर्शकों, सादत अली से आज जानेंगे कि क्यों, आखिर क्यों अभी तक उन पर जिसने हमला किया था उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। सादत अली जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी सर,
नमस्कार जी। सादत अली जी, 2 महीने होने को आए हैं उस प्रकरण को, लेकिन अभी तक आपको तो मैंने कई दफा देखा है कचहरी जाते हुए, आपको तो मैंने कई दफा देखा है तमाम कोशिशें करते हुए, न्याय की लड़ाई लड़ते हुए, लेकिन जिसने कानून तोड़ा, जो दरअसल खुद मुजरिम है, उस पर अभी तक कानून का शिकंजा क्यों नहीं कसा, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, आप क्या कहते हैं? सर कानून जो है बहुत, सरकार बहुत ढीली है यूपी की। सर पुलिस क्या कह रही है आपको? पुलिस से आपकी बातचीत हुई होगी, आप कोशिशें कर रहे हैं, क्या कह रही है? सर पुलिस से बात ये हुई है, मैंने 18 तारीख मैंने FIR जो करी थी 156 की धारा, तो उसमें मुझे 18 तारीख दी थी इसी महीने की। तो जब मैं कोर्ट गया तो मुझे डेट मिल गई 29 तारीख, पुलिस ने वहां से अपनी रिपोर्ट नहीं दी है इस वजह से। पूरी बात बताइए सादत, कि आप कहां गए, किन किन से आपने बात की, किस तरीके से आपके साथ कौन कौन खड़ा है, और क्या कुछ लग रहा है आगे क्या होगा? सर मेरे जो वकील साहब है रियाज अली खान और तनवीर साहब, वो मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और इस समय मैं काम भी मेरा छूटा हुआ है और वही मेरा खर्चा पूरा कर रहे हैं। इस समय कहीं जाना है तो वकील साहब हमारे रियाज साहब पूरा कर रहे हैं, और मैंने जो 156 धारा लगाई थी पुलिस वालों पे, 3 अधिकारी जो हैं उन्हीं ने रिश्वत मुझसे ली थी 10,000 रुपये, और प्रदर्शनी को तो जो महिला जो हैं अभी तक उनको तो पकड़ा नहीं। और मैंने अभी एक वीडियो देखा सर, दिल्ली में ही एक मास के चक्कर में उस लेडी को पकड़ के बंद कर दिया था, और अभी यहीं पे ही लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पे एक पुरुष ने महिला को मारा, ठीक है सर, और तुरंत एक्शन ले लिया गया और पुरुष को बंद कर दिया। मेरी क्या सर गलती है जो अभी तक मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा सर? क्या पुलिस की तरफ से क्या आज सर 51 दिन पूरे हो गए सर, 51 डेज पूरे 51 दिन हो चुके हैं। प्रियदर्शनी की तरफ से अभी तक आपको लगा कुछ, उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि बीच में उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी उनके साथ, सादत अली के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। सर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैं किस बुनियाद पे कॉम्प्रोमाइज करूं? एक तरफ वो मुझसे कहती है कि मैं उनके 6 महीने से उनके पीछे लगा हुआ हूं, और एक तरफ से कहती है कि मतलब बहुत सी चीजें बोलनी, और उन्होंने बोला कि मैंने घर वालों को इनवाइट करा सादत अली को, उनके भाई को इनायत अली, सादत अली, उनके घर में कोई ऐसे प्रॉब्लम आ गई तो वो आए नहीं, वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये मेरे घर आती तो मैं इनको रिस्पेक्ट देता, क्योंकि महिला की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी तरफ से अभी नहीं हुआ था, प्रियदर्शनी की तरफ से किसी ने भी, उनकी माता जी ने या उनके पिताजी, किसी भी तरफ से आपके पास कॉन्टेक्ट करने की आपसे कोशिश की गई, किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई, कुछ माफी वगैरह मांगी गई, कुछ भी करने की उनकी तरफ से कोशिश हुई अभी तक? नहीं सर कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो पे ही बस चल रहा है कि मैं माफ कर दूंगी, मेरे पास कोई नहीं आया। मेरी कोई उनसे सर जाती दुश्मनी नहीं है, मैं एक इंसान हूँ सर, ठीक है, अगर मैंने गलती करी होती तो सजा, मैंने ये भी कहा था कि मेरी गलती तो मुझे आप सजा दीजिए, और जब मेरी कोई गलती नहीं है, ये आप लोग के चैनल के माध्यम से आज मैं इस जगह खड़ा हुआ हूँ, आज 51 दिन हो गए, और अभी तक अगर मैं कोई गुनाह करता तो मुझे अब तक जेल हो जाती सर। जी सादत, अब 51 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है कि लोग भूल जाएंगे, पुलिस फाइल बंद कर देगी और सब मामला ठंडा हो जाएगा, क्या लगता है न्याय मिल पाएगा आपको? सर आप, सर मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और चैनल में जितने लोग हमसे जुड़ गए हैं, मैं तो किसी को नहीं जानता था, आज अल्लाह के रहम करम से बहुत से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं चैनल में, और बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं। और देखिए जनता जो है, जनता रोज तो वीडियो सर देखेगी नहीं, क्योंकि आज 51 दिन हो गए, भाई दूसरे को भी काम करना है, अपना काम धंधा भी देखेगा, अब जब कोई न्यू खबर आएगी तो वो चैनल भी देखेगा। और मेरी गाड़ी जो है मेरे मालिक ने ले ली है सर, और मैंने वहां मैं गया था गाड़ी की कोशिश करने के लिए, कि मैंने सोचा कि 51 दिन हो गए, मैं मुझे कहीं नौकरी मिल जाए, मैं हर तरफ तलाश कर रहा हूँ, अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है। मालिक ने गाड़ी, मेरे मालिक ने गाड़ी ले ली, मैंने सर मालिक ने गाड़ी इसलिए ले ली है क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा नहीं था, और प्लस मुझे मेरी ID जो है थी, मैं तो प्राइवेट बुकिंग लेके जा रहा था, अगर मैं इस समय चलाता हूँ तो जब मैं लेने गया उनसे गाड़ी तो मालिक ने दूसरे आदमी को गाड़ी दे चुके थे, क्योंकि उनकी किस का मसला है सर, वो भी सक्षम है इस समय, क्योंकि 1 महीने के ऊपर हो गया था, वो किस कहाँ से
देंगे, क्योंकि आप समझ रहे लॉकडाउन का समय था, उस समय आदमी की दिक्कतें बहुत सी होती हैं। आपका तो गाड़ी ले लिया, आपका तो सादत सब कुछ था, वो मालिक जो है। हाँ सर, क्योंकि आप पर तो उस महिला ने आप पर कहर बिठाया, आपको बीच सड़क बेइज्जत भी किया गया। सर आवाज कट रही है आपकी, एक मिनट, मैं बाहर जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, जी बोलिए। जी बिल्कुल, सादत मैं कह रहा था कि आपका तो सब कुछ तबाह हो गया, क्योंकि आप पर उस महिला ने जुर्म भी किया, आप पर हाथ भी उठाया, इतनी सारी चीजें हुई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से शायद हमसे अब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन सोचिए दर्शकों, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि एक महिला की एक हरकत की वजह से एक पुरुष का सब कुछ तबाह है। आप जिनको अभी देख रहे थे मेरे साथ, ही सादत अली, इनका नाम सादत अली है, लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्हीं के ऊपर एक महिला ने 22 थप्पड़ मारे, एक के बाद एक 22 थप्पड़, और वो आज अपने घर पर विश्राम कर रही है, वो आज अपने घर पर हैं आराम से, नथिंग हैपन टू हर, उनको कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने गिरफ्तारी भी नहीं की, पूछताछ के नाम पर बुलाया तो बिस्लेरी का पानी पिलाया, लेकिन जिस पर थप्पड़ चले, जिसको सरेआम शर्ट पकड़कर पीटा गया, जिसको इतने थप्पड़ मारे गए, सब देखते रहे, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद है, जिसके ऊपर इस महिला ने तमाम किस्म के आरोप लगाए, अनर्गल आरोप लगाए, बोला 6 महीने से पीछे था, मुझको उसने मारा, तमाम जो झूठ साबित हुए, उसके बावजूद आज जब 2 महीने होने वाले हैं तब भी गिरफ्तारी का कुछ भी नजर नहीं आता। आज का कार्यक्रम सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए था, आज का कार्यक्रम सिर्फ सादत अली के जरिए आपको यह बताने के लिए था कि कैसे एक गलती की वजह से एक पुरुष की जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल आता है। सादत अली की बेइज्जती हुई, उनका सब कुछ मिट गया, आज भी वो बताते हैं कि अपनी मां के आंखों के सामने नजरें नहीं मिला पाते, उनके मालिक ने उनसे गाड़ी वापस ले ली, और उनके पास आज घर चलाने के भी पैसे नहीं है। जो वकील उनके साथ खड़े हैं वही उनकी मदद कर रहे हैं। दर्शकों, दैट्स फेक फेमिनिज्म फॉर यू, दैट्स द रियलिटी फॉर यू, दैट्स द इंडियन रियलिटी फॉर यू, एंड दैट्स व्हाट हिपोक्रेसी इज, दैट्स बॉस जेंडर बायस इज, एंड दैट्स व्हाई आई से दैट आई विल नॉट स्टॉप, क्योंकि यहां पर बात एक शख्स की नहीं, बात माइंडसेट के खिलाफ, ये लड़ाई माइंडसेट के खिलाफ, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होती चैन से सोने नहीं दूंगा। लखनऊ पुलिस, फाइल को दबाते रहिए, हम फाइल को खोलते रहेंगे। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।